सत श्री अकाल दोस्तों, जिदा कि तुहानू पता है कि 1 दिसंबर तो आस्ट्रेलिया दे बॉर्डर खुल गए ने, ते इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आस्ट्रेलिया दे विच ट्रैवल कर पाएंगे। फॉर द टाइम बीइंग विक्टोरिया ते न्यू साउथ वेल्स दो इदां दी स्टेट्स है जिहड़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लई खुली है। अज दा मोटिव वीडियो बनाउण दा सिंपल जिहा कि बिफोर यू ट्रैवल टू आस्ट्रेलिया दो तीन चीजां हैगियां जिहदा ख्याल रखना बहुत इंपोर्टेंट है। सब तो पहली चीज, ब्रिजिंग वीजा होल्डर्स जिहड़े ने ओह जे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो एग्जामिशन कैटेगरी दे विच नहीं आते। दूसरी चीज, जे एज अ स्टूडेंट वीजा होल्डर तुसी आस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे हो तो तुहाडे को कोई वैलिड सीओई नहीं हैगी, या जे तुहाडा वीजा मास्टर्स दे विच लगा सी ते तुसी ओह तो बाद डिप्लोमे दे विच एडमिशन लैके ट्रैवल करन दी कोशिश कर रहे हो तो बहुत ज्यादा चांसेस ने किसी भी पोर्ट ते किसी भी एयरपोर्ट ते तुहाडे तो क्वेश्चन किया जा सकता है ते तुहाडी जेन्युइन इंटेंशंस नूं ना देखदे होए उस एयरपोर्ट पे थोड़ा वीजा भी कैंसल किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर जेन्युइन टेंपरेरी एंट्री क्राइटेरिया। तो इस चीज का जरूर ख्याल रखो, थोड़े को वैलिड सीओई होवे ते प्लस उस लेवल दी सीओई होवे जिस लेवल दे विच थोड़ा वीजा लगा सी। तीसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स तस्मानिया या पर्थ वेस्टर्न आस्ट्रेलिया डिफरेंट स्टेट्स दे ने, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਤਸਮਾਨੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ ਔਨ ਸ਼ੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰੈਵਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣੀਆਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਦੈਮ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਐਂਡ ਯੂਰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਸਟ ਬੀ ਇਨ ਦਾ ਅਪਰੂਵਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਵੈਕਸੀਨ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਲਬਰਨ ਆਫਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ।